मैं सैयद मिसबाह एसएमएस में आपका इस्तकबाल करता हूँ। रहा इश्क जहीराबाद के वार्ड नंबर 19 अहमदनगर कॉलोनी में मोहम्मदी मस्जिद और रहमत मस्जिद में और गलियों में सैनिटाइजेशन किया गया है। इस मौके पर शामिल हुए टीआरएस पार्टी वार्ड प्रेसिडेंट एमडी अलीम अली, एमडी सद्दाम हुसैन, एमडी मुबीन अहमद। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे की ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अहमदनगर कॉलोनी 19 नंबर वार्ड मस्जिद बगदादी मस्जिद रहमत में सैनिटाइज़र कराया गया और गलियों में सैनिटाइज़र कराया गया। कोविड-19 के चलते हुए वार्ड में जो सो सैनिटाइज़र कराया गया, नालियों को साफ़ सफाई और ब्लीचिंग पाउडर, लाइटों का इंतज़ाम। और तमाम हजरात से गुजारिश ये है कि अपने अपने घरों में रहो, किसी को कुछ प्रॉब्लम आ रहा तो साथ ही जल्द से जल्द अच्छे बड़े डॉक्टर से जो सो रफ्त पैदा करें और जो सो अपनी सेहत का ख्याल रखिए। खांसी, बुखार, सर्दी, ज़ुकाम ऐसा कुछ भी है तो अपने डॉक्टर से जो सो मशवरा करके इलाज कराइए और अपने घर में रहिए। लॉकडाउन के मोमेंट में घर के अंदर रहने से ही सेफ रहते, ये बीमारी हवा में भी फैल चुकी है। और रोड पर भी मास्क लगा कर जाइए। और तमाम हजरात से, बूढ़ों से, बच्चों से, नौजवानों से, मेरी माँ बहनों से गुजारिश है, अपने अपने घरों में रहो और हाथ पैर अच्छा धो, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करो, मास्क का इस्तेमाल करो। और लॉकडाउन के वक्त में तो अपने घर में रहो, सेफ रहो। गाड़ियाँ वगैरह लेके नौजवान बच्चे रोडों पे गैर ज़रूरी मत फिरो। आप लोग वहाँ गैर ज़रूरी फिरने से दूसरे जो मुश्किल में जाने वाले हैं वो लोगों को भी परेशानी हो रही है। मैं तमाम बाइक राइडर्स से और बाइक चलाने वाले बच्चों से गुजारिश करता हूँ कि रोड पे गैर ज़रूरी मत निकलो, बिना कोई वजह नहीं रहने के मत निकलो, वजह की वजह से निकलो। आप लोग वहाँ गैर ज़रूरी निकलने से दूसरे लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। गैर ज़रूरी बाइका लेके इधर उधर नको फिरो रोडों पर, गलियों पर। घर में रहो, सेफ़ रहो, सैनिटाइज़र का और मास्क का इस्तेमाल करो।